हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग वर्क रूटीन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही मैं अपना फ्रेश होके मैं वर्कआउट करती हूँ 1 घंटा। वर्कआउट करने के बाद ही मैं बाकी के और काम करती हूँ। तो अभी मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ और अभी मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ। तो मैं 1 घंटा पहले वर्कआउट करूंगी और बाकी के काम बाद में करूंगी। तो मैं वर्कआउट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, मेरा वर्कआउट तो खत्म हो गया और मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ दूध गर्म करने के लिए। अभी मैं दूध गर्म करके दूध पीऊंगी और बस 5-10 मिनट रेस्ट करके और उसके बाद फिर मैं अपना बाकी का जो मेरा काम है, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी बनाना है तो वो बनाऊंगी और घर की साफ सफाई करूंगी मैं। तो क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को जो मेरे हस्बैंड है निश्चिल के पापा, वो हर सैटरडे को शनिदेव महाराज के मंदिर जाते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई भी करना है ताकि वो आए और नहा धो के पूजा भी करें। और उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट भी बना के रखना है क्योंकि वो आते ही नहा के पूजा करके सीधा खाना खाते हैं। तो अभी मैं पहले दूध पीऊंगी और उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो मेरा दूध गर्म हो गया और अब मैं दूध पीने जा रही हूँ और दूध पी के मैं बाकी के सारे काम करूंगी। अभी तो वैसे पता है दूध पीना अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह, और वो भी ये प्लेन वाला दूध ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या करूँ, चाय पी नहीं सकती इसलिए यही पीना पड़ेगा। तो अभी मैं दूध पीऊंगी और फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। और ये मैंने छोला रख दिया उबलने के लिए, इतने मैं दूध पीऊंगी तो इतने छोला उबल जाएगा और फिर मैं धीरे धीरे सारा काम जल्दी से कर लूंगी। तो अभी मैं अदरक लहसुन प्याज टमाटर सबको पीसने वाली हूँ, सबको टमाटर वगैरह सबको। तो उसके बाद फिर मैं छोला बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी क्योंकि मैंने सोचा कि नाश्ते में छोला रोटी बना लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। निचल के पापा को, निचल को बहुत पसंद है छोला खाना, तो मैंने बोला कि चलो छोला ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं छोला ही बनाऊंगी। पहले मैं सोची थी कि मेथी बना लेती हूँ, फिर मैंने बोला कि यार मेथी में बहुत टाइम लग जाता है साफ करने में और अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी पहले मैं छोला ही बना लेती हूँ, जल्दी से बन भी जाएगा। तो मैंने उबाल तो लिया है, छोला जो है मेरा उबल गया है कुकर में, छोला उबल गया है। तो अभी मैं इसको प्याज टमाटर सबका ग्रेवी तैयार करके और छोला बना लूंगी और फिर अपना बाकी का जो मेरा खाना पीने का जो भी है वो सारा मैं अपना खाने पीने का कर लूंगी। उसके बाद फिर मेरा जो और काम पड़ा है घर का वो मुझे सारा काम करना है जल्दी जल्दी से। मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तो मैंने छोले चढ़ा दिए है, तो छोले अभी मैंने इनमें पानी डाला है तो अभी ये उबल रहा है। तो अभी कम से कम ये 10 से 15 मिनट उबलेंगे। उसके ही वही मैंने दूसरी तरफ ये कसूरी मेथी होती है जो आलू टमाटर की सब्जी में, छोले में, राजमा में डाल के बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। जो मट्ठी वगैरह में खाते हैं वही उसमें भी डलती है, मट्ठी में भी है। तो ये वही है कसूरी मेथी। तो इसको मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है क्योंकि जब ये रोस्ट हो जाता है तो थोड़ा क्रंची टाइप का हो जाता है, तब इसको छोले जब बन जाते हैं उसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है छोले में, बहुत बेहतरीन फ्लेवर लगता है छोले का। तो मैं हमारे घर में हमेशा जब भी छोला बनता है तो इसी टाइप से बनता है और सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाने में छोला। तो ये तो मेरा जैसी हो जाएगा तो वही मैंने दूसरी तरफ राइस भी बना लिया है क्योंकि निश्चल के पापा मुझे बोल के गए थे राइस बनाने के लिए, तो मैंने चावल ही बना लिए। तो मैं अभी बस ये छोला हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा और मैं फिर बाकी का अपना काम करने वाली हूँ। तो नाश्ता तो मेरा बन चुका है, जैसे कि मैं छोला बनाई थी तो छोले भी मेरे बन गए, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो खाना वाना सब मेरा रेडी हो गया और जो ये थोड़े बहुत बर्तन है तो ये मैं बाद में धोऊंगी, पहले मैं फटाफट घर में झाड़ू पोछा कर देती हूँ क्योंकि अभी निशल के पापा आने वाले होंगे और वो अभी पूजा करेंगे घर में भी, मंदिर में भी जाएंगे। तो फटाफट मैं पहले घर की साफ सफाई कर देती हूँ और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अब जल्दी से घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पोछा भी मारना है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो ठीक से दिख भी नहीं रहा है तो मैं क्या करूं मैं अकेली हूं तो मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और दूसरे हाथ से काम भी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसी तरीके से दिखा पा रही हूँ जो मेरा काम है। तो अभी मैं फटाफट झाड़ू लगा लूंगी, जब अभी बहुत कूड़ा भी देखो, तो मैं जब झाड़ू लगा लूंगी तो उसके बाद में मुझे फटाफट पोछा भी लगाना है। और आज जो मेरा बेटा है निश्चल वो अभी तक उठा नहीं है और वो सो ही रहा है, तो इसीलिए मैं कर भी पा रही हूँ काम, नहीं तो वो ना बीच बीच में घूमता रहता है और मेरा हो भी नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो वो इतने सो ही रहे तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। निश्चल भी सो के उठ गया, निश्चल के पापा भी अब आ गए हैं जिम से। तो ये भी आ गए हैं।
और निश्चल भी अभी सो के उठा है, अभी बज रहे 10 बज रहे और ये अभी सो के उठा है। देखो निश्चल के लिए दूध आ गया दोस्तों, दूध, गाय का दूध। निश्चल के पापा इसके लिए गाय का दूध लेके आते हैं क्योंकि बच्चों को गाय का दूध ही पिलाना चाहिए। गाय का दूध अच्छा होता है, बच्चों की हड्डियां स्ट्रांग होती है, तो इसलिए हमारे घर में गाय का ही दूध आता है। तो ये छोला चावल खा रहा हूँ मैं, ढाई टेबल थोड़ा सा चावल है और बहुत सारा छोला चावल, ये बहुत इतना सा एक मुट्ठी चावल लेते हैं बस, और उसी में छोला ज्यादा खाते हैं क्योंकि ताकत होती है। पेट देखो दोस्तों, दूध खत्म हो गया। तो निश्चल के पापा को छोला चावल बहुत अच्छा लगता है, निश्चल को भी अच्छा लगता है। अभी वो उठ गया है, दूध पी के उस कमरे में चला गया है। तो दोस्तों हमारा तो खाना पीना हो गया, किचन का हाल देखो। तो अभी मुझे पूरा किचन क्लीन करना है, नाश्ता वास्ता सबका हो गया है, मैंने निश्चल के पापा ने निश्चल ने हमने सबने खाना वाना खा लिया है। अब बस मैं किचन साफ करूंगी और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो अभी पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वर्तन सब धो लेती हूँ। किचन अब मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है, मैंने अपने बर्तन वर्तन भी सब धो लिए और पूरी किचन भी एकदम साफ सुथरी हो गई है। तो किचन का काम मेरा खत्म हो गया है और घर का मैंने पहले ही कर लिया था, मतलब निश्चल के पापा के आने से पहले ही मैंने पूरे घर को साफ। तो ये देखिए घर भी मेरा एकदम साफ सुथरा हो गया, घर भी पूरा सेट हो गया है, घर में भी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया, तो घर का ही मेरा सारा काम हो चुका है। तो अभी मेरा काम बचा है सिर्फ कपड़े धो के नहाना, तो मैं अभी वो करने जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं अपने कपड़े वपड़े धो के नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ और अब जो मेरा काम था वो ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तो तब तक के लिए बाय।